अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कादी काका न्यूज और मैं आपका अपना काका दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान, ताया जान, ताई जान, चाचा जान, चाची जान, फूफा जान और फूफा जान, मेरे पाले खालू जान और खाला जान, सब मेरे जैसे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। आए मुझे डालते हैं हेडलाइंस पर। मेरे पाले अंकल जी, मेरे अंकल मुलायम खान जी, आप मेरे वजीर आजम मुलायम खान अंकल, कैसे हैं आप? आप ये मुखातब हूँ काका, आपका अपना काका अंकल। अंकल मेरे जो है आप छमलियाँ तोड़ रहे हैं। अंकल मुझे बड़ी खुशी हुई, आप एक दो माह में आप घर चले जाएंगे। अंकल मुझे पता लगा है, सारे जराए बता रहे अंकल के आप को कहा गया था कि आप मामू उस्मान बुजदार को निकाल दें, मगर आप कैसे निकाल दें? मामू उस्मान बुजदार बहुत अच्छे हैं, वो काम भी कोई नहीं करते ना, घर का काम करते हैं, बैठे सोचते रहते हैं। मैंने करना क्या है? मैंने सुना निगरान वजीर आजम जो आएगा उसका पहले नंबर पे जिसका नाम आ रहा है वो अंकल क्या महमूद कुरैशी, अंकल क्या महमूद कुरैशी क्या करेंगे? वो तो दरबार के उधर कदनी चीन है मुल्तान शरीफ के, उनको तो सियासत में आना नहीं चाहिए था, पीरों का क्या काम है सियासत में, मगर वो बोलते अच्छा है। चले आगे वजीर आजम बन के भी देख रहे, दो बार मुल्क के वो बन के वजीर बैठे रहे हैं जी के वजारते खारजा। मैंने उनसे पूछा अंकल आप वजीरे खारजा क्यों बोलते हैं? कहते मुझे जहाज में झूठे रहने का शौक है। और शौक आप जितने मर्जी पूरे करे पर मुल्क का तो सही करे। ऊपर से गंदी बच्ची, मैं तो फूफो का नाम नहीं लेना चाहता, गंदी बच्ची मिली फूफो फरदोशा शकवान, गंदी तू 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 गंदी, इसलिए जो ऐसा करना चाहिए आपकी हुकूमत नहीं, उस बेचारी को सियालकोट वाली बाजी इतनी अच्छी बाजी, ऐसी सिटी मिली बाजी इतनी अच्छी, गंदी फूफो ने उसको कितनी गंदी गंदी गालियां दी, मोटो मोटो फूफो, मोटो फरदोश है चकमान, मोटो मोटो मोटो, मुझे गाली दे के दिखाओ मैं तेरी गुत पुटूंगा। आपने उसको कहा के किस बगैरत ने लगाया? आपकी हुकूमत ने लगाया। आप फिर सारे आपस मैं तो ऐसे बोलूंगा, जाओ कोठे पे चढ़ के लड्डू मंडो, ये इतनी बुरी बात है? फरदोश है चकमान फूफो, गंदी फूफो मोटो, आपने कभी कोई बात सही नहीं की। मैं बताऊंगा अपने पाकिस्तानियों को, बच्चे झूठ नहीं बोलते। अंकल जी, अंकल जी आपका बेड़ा गर्क करने वाली ये फूफो फरदोश है चकवान है, और ये चाचू जो मामू उस्मान बुजदार, और मैंने तो ये भी सुना है कि आपको उनको भी कहा गया कि दोनों खान को निकाल दे, वो कैसे निकालेंगे? वो तो आपके रिश्तेदार शोरों में से हुए, शोरों में शोरों के आगे कोई बोल सकता है अंकल? ये तो पाकिस्तानी अवाम पागल है जो कह रही है कि हमारी आंटी पिंकी को, पिंकी पीनी हमारी आंटी इतनी अच्छी है, ये उनके रिश्तेदारों को बजारते दो, अगर शोरों को बजारते नहीं मिलेंगी तो घर में कौन इंटर होने देगा? अंकल मेरी बात बुरी लगी हो तो लगी जाए, मेनू की कोठे से चढ़ के लड्डू मंडो। और मैं दूसरी खबर ये देना चाह रहा हूं कि हमारे पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक लहर है। अंकल मैंने आगे भी बताया था, ठहर जो मैं छीना चाहूँ, इतनी गर्मी लग रही है काका, स्टूडियो में बत्ती भी नहीं आ रही, मैंने अल्लाह की कसम दो बल्ब लगाए और मुझे 22,000 का बिल आ गया, काका स्टूडियो को भी बिल देते, गंदे बच्चे बाप डाले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने मेरे अंकल आंटी भाई बहन मामा मामी सारे रिश्ते मुझे देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान की अवाम है ना, ये बहुत अच्छी अवाम है, बेचारी अवाम पिसते रहती है, कभी चीनी का बहरान में पिसती है, कभी आटे के बहरान में पिसती है, कभी बत्ती के बहरान में पिसती है, कभी गैस के बहरान में। मैंने आज अंकल एक बात करी, पाकिस्तान अगर कायद आजम ने नाम लाया होता ना तो मैं इसका नाम रख देता बहरानिस्तान।
जबकि और संभाली है बुरा नहीं बुरा नहीं बुरा नहीं बुरा नहीं अंकल अंकल मैं आपसे एक और बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूँ। अंकल शबाज शरीफ है ना जो कितनी देर से जेल में अंकल नवाज शरीफ को भी बात अगर अंकल इमरान खान आपने इन पे इल्जाम लगाए थे तो शाबत क्यों नहीं कर रहे मुझे ये बताओ ना बताओ 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 पैसा एक टका भी आपने इनसे वसूल नहीं किया जेलों में बंद है भागे जा रहे कभी वो बात पकड़ लिया कभी मेरी बाजी मलम माजी मलियम है ना जो बहुत अच्छी है पता नहीं देखने में अच्छी है या वो भी काम अच्छे करी है कि नहीं मुझे नहीं पता अभी मैं सियासत में इंटर नहीं हुआ इतना। अंकल एक मिनट भूख लग गई अंकल आखिरी बात मेरी सुन ले कोरोना की तीसरी लहर बहुत बुरी जा रही है तो इसके मद्दे मुकाबल आप सारे मास्क डालें सैनिटाइजर से हाथ धोए और घर में रहें और गैर जरूरी सफर ना करें। मेरी अंकल आपके एक और फरमाइश है सारे देखने वाले अच्छे अच्छे अंकल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अल्लाह का वास्ता मेरे चैनल को लाइक भी करें और मुझे कमेंट में बताएं कि काका कैसी खबरें देता है। मैं चलते चलते काके की तरफ से अल्लाह भी अंकल।